वहीं हरियाणा की जेलों में बंद बंदियों और कैदियों के लिए अब स्वास्थ्य सेवा फाइव स्टार होटल जैसी मिल रही है। यमुनानगर जिला जेल पहुंची मेदांता की टीम ने जेल में कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की है। इस टीम में कई टेक्निकल विशेषज्ञ शामिल हैं, साथ ही मौके पर पहुंची बस आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से लैस है। बता दें कि 50 से 60 के करीब बंदियों और कैदियों में खांसी के लक्षण मिले थे। ओमिक्रोन की आशंका को देखते हुए डीजीपी के निर्देशों पर सभी की जांच करवाई गई। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय धैया ने बताया, अगर बंदियों और कैदियों में किसी तरह की कोई विशेष बीमारी का पता चलता है तो उसका मेदांता अस्पताल की तरफ से इलाज किया जाएगा। माननीय डीजीपी साहब हैं हमारे जेल के, जो अकील मोहम्मद सर हैं, उनके आदेश अनुसार जेलों में हमने हमारी जेल में जैसे एक प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं और आज इसी के तहत मेदांता से एक टीबी पेशेंट के लिए जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की जो टीबी की जांच की जा सकती है वो एक बस यहां हमारे जेल में आई है और उसके साथ जो टेक्निकल स्टाफ है उनका वो भी आया है, ताकि जो जेल के अंदर टीबी पेशेंट हैं उनका इलाज ठीक हो सके और उनको प्रॉपर ये पता लग सके कि टीबी का पेशेंट है जो, उसको आगे आने वाले टाइम में टीबी की वजह से ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कोविड ओमिक्रॉन वगैरह आजकल आ रहा है, ताकि उनका पहले से इलाज हो सके। आज हमारी जो मेदांता से एम्बुलेंस आई हुई है, जो जिले में जितने भी हमारे टीबी के केसेस है उसकी स्क्रीनिंग में हमारा सहयोग कर रही है जिला स्वास्थ्य विभाग का, उनकी यहां से एक स्क्रीनिंग कैंप आज जिला जेल में लगाया गया है कैदियों की सुविधा के लिए। तो इसमें जैसे यहां के जो लोकल मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने बताया कि 50 के लगभग ऐसे मरीज हैं जिनमें खांसी की शिकायत है, उन सभी की स्पूटम की जांच की जाएगी, उन सभी का एक्सरे की व्यवस्था भी इसी वैन में उपलब्ध है, उनका एक्सरे किया जाएगा और यदि एक्सरे में कोई पैच आते हैं तो उन सभी का सीबी नाट जो हमारा एडवांस। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा।